बेंगलुरु में एक कार को किया आग के हवाले। कार से गौमांस को ले जाने की आशंका होने पर श्री राम सेवी कार्यकर्ताओं ने लगाई आग। पुलिस ने किया 19 लोगों को गिरफ्तार। सूत्रों के अनुसार बेंगलुरु से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दोदाबल्लापुर जिले में एक कार से गौमांस को बेंगलुरु में तस्करी करने की आशंका जताते हुए श्री राम सेवी कार्यकर्ताओं ने रविवार 24 सितंबर सुबह करीब 4:45 पर कार को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने इस घटना से जुड़े दो अलग अलग केस दर्ज किए हैं और अभी तक 19 लोगों को हिरासत में लिया है। 4 ट्रक और एक छोटी मालगाड़ी को भी पुलिस जब्त कर चुकी है। जिले के एसपी मल्लिकार्जुन बालदंडी ने बताया कि घटना करीब रविवार की सुबह 5:45 की है। राम सेवी कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि इस वाहन से गौमांस को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से बेंगलुरु में तस्करी किया जा रहा है। दोदाबल्लापुर जिले की पुलिस ने करीब 12 लोगों को कार को जलाने और परिवहन कर रहे लोगों पर आक्रमण करने के लिए हिरासत में लिया है, जिसमें श्री राम सेवी कार्यकर्ता भी शामिल हैं। इस कार से सफर करने वाले व्यक्ति द्वारा पुलिस में इस आक्रमण को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने गौमांस की तस्करी करने वाले लोगों के विरुद्ध एक अन्य केस भी दर्ज किया और 7 लोगों को गिरफ्त में लिया। श्री राम सीने के सदस्य सुंदरेश नारागल ने कहा कि उन्हें सूचना मिली थी कि आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से बेंगलुरु में गौमांस की तस्करी की जा रही है। एक कार्यकर्ता ने मकाली टोल के पास उसे घेरने की कोशिश की, मगर बदमाशों ने वहीं उस पर हमला कर भागने की कोशिश की। पुलिस के अनुसार श्री राम सीने के करीब 20 कार्यकर्ताओं ने कई वाहनों को गौमांस की तस्करी की जानकारी मिलने पर घेराबंदी कर आग में झुलसाया है। कार्यकर्ताओं ने वाहन चालकों को रोड पर बिठाकर उन्हें बुरी तरह से लाते भी मारी। घटना की जानकारी मिलने पर दोदाबल्लापुर की पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है।